वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे स्टीम्ड मोदक। उकड़ी से मोदक ट्रेडिशनली मेरे घर में बनते ही हैं, लेकिन उसके साथ ये वीट मोदक भी हर साल बनते हैं। ये दिखने में जितने ही सुंदर हैं उतने ही खाने में लाजवाब हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाते हैं ये मोदक। और पापा को भूख लगाने के लिए ये बहुत ही लाजवाब मोदक हैं। दूरवा से हम ये मोदक को सजाकर पापा को आज इन मोदक का भोग लगाएंगे, और ये मोदक को बनाने की रेसिपी आज हम देखेंगे। ये मोदक फटाफट बन जाते हैं, आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से फ्रेश नारियल आपको लेना है, और उसको ग्रेट किया हुआ है मैंने। ट्रेडिशनली जो स्क्रेपर आता है, ये इस तरीके का आपको ट्रेडिशनली स्क्रेपर मेरे घर में मौजूद है। अगर आपके पास ये इस तरीके से ग्रेट किया जाता है नारियल, अगर आपके पास ये नहीं है तो फ्रीज़र में रख के आप नारियल को आसानी से निकाल पाएंगे। 2 घंटे के लिए नारियल को रख दीजिए और फिर निकाल के उसको कद्दूकस कर लीजिए। ये 2 कटोरी नारियल मैंने ले लिया है। फ्रेश नारियल का स्वाद इन मोदक में बहुत ही लाजवाब लगता है। इस तरीके से हम अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे ताकि नारियल का मॉइस्चर चला जाए। और उसके 2 कटोरी नारियल के, फ्रेशली ग्रेटेड नारियल के सामने हम लेंगे 1 कटोरी गुड़। गुड़ पूरे तरीके से मेल्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं मिक्सचर ड्राई हो चुका है। अगर आपका गुड़ इसमें ज़रा भी ज़्यादा हुआ या गुड़ की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो ये मिक्सचर आपका गीला हो सकता है, और गीला मिक्सचर अगर आपका हुआ तो आपका मिक्सचर मोदक को फाड़ देगा। इसीलिए अगर आप चाहे तो 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल के मिक्सचर को ड्राई कर सकते हैं। लेकिन ये मिक्सचर मेरा अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, इसीलिए मुझे कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें मैंने अभी 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है ताकि खुशबू अच्छी आए। अब हम मोदक के कवर की तैयारी कर लेते हैं। गेहूं का आटा लिया है मैंने 2 कप, उसमें डाला है नमक, और अब हम पूरी के जैसे जिस तरीके से हम पूरी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम आटे को गूंद लेंगे। यह आटा मेरा गूंद कर रेडी है, और अब हम इसको तेल से मल लेंगे। आटे को पूरी जैसे ही रखना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, वरना जैसे ही आप स्टफिंग भरेंगे इसमें फिलिंग डालेंगे आपका मोदक फट जाएगा। ये मोदक को मैंने ये आटे को रेस्ट दे दिया है। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम स्टीमर की तैयारी करते हैं। स्टीमर के लिए छन्नी के ऊपर मैंने ये केले का पत्ता रख दिया है, और अब हम केले के पत्ते को तेल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से तेल से मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, और अब हम जो भी हमारे आटे को हमने रेस्ट देने के बाद हमारा आटा रेडी है, अब हम इसकी लुई बना लेंगे। आटा ले लेंगे हल्का, और अब हम इसको बेल लेंगे। पूरी की साइज़ का हमें इसको बेलना है। मीडियम साइज़ का हम रखेंगे। अब हम इसको इसके बीच में 1 चम्मच हमारा जो फिलिंग है नारियल और गुड़ का, उसे रखेंगे। हाथ में इस तरीके से लेके पहले और तीसरी उंगली से पिंच करते हुए इस मोदक को हम शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं नीचे तक बिल्कुल आपकी पंखुड़ियाँ आनी चाहिए ताकि मोदक दिखने में आसान रहे। बीच वाला जो मैं एक उंगली से इसमें पंखुड़ी बना रही हूँ और 2 उंगलियों से इसको पिंच कर रही हूँ। ऊपर की साइड को इस तरीके से वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, उस तरीके से आप हल्के हाथों से बंद करते जाएंगे, और नीचे की पंखुड़ियाँ आप देख सकते हैं फिर भी मोदक का शेप बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। ऊपर की तरफ से हम ये सारी पंखुड़ियों को मिलाते जाएंगे, और ये एक इसको एक पॉइंट दे देंगे। पंखुड़ियों को उंगलियों से इस तरीके से खोल दीजिए ताकि जब हम ऊपर की तरफ से इसको सील कर देंगे तो ये नीचे से बहुत अच्छा इसको शेप आएगा। आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट आ गया है। ये इस तरीके से हर एक पंखुड़ी को हम खोल देंगे ताकि मोदक का शेप बिल्कुल सुंदर आए और दिखने में भी ये लाजवाब लगे। इस तरीके से हम खोल लेंगे, और ऊपर को
जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकालते हुए एक अच्छे से पॉइंट का शेप दे देंगे। मोदक मेरा रेडी है, इस तरीके से हम सारे मोदक बना लेंगे। परफेक्ट शेप आया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टीमर में इस तरीके से बनाए हुए मैं मोदक रख रही हूँ। स्टीमर का ये ऊपर का डब्बा है और अब हम ये स्टीम कर लेंगे। स्टीमर में पानी को उबालने के लिए मैंने रख दिया है, पानी भी अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब हम ये ऊपर के कंटेनर को रख देंगे और इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। क्योंकि इसमें मैं केसर लगाना भूल गई हूँ, मैं एक बार एक मिनट में ही खोल के ये इस तरीके से केसर भी मैंने लगा दिया है और ये मेरे स्टीम मोदक तैयार है। स्टीम होकर तैयार होने के बाद हम इसको प्लेट कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में अच्छे से ये स्टीम हो जाते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल केसर लगाने, आप भी याद से मैं जो केसर लगाना भूल गई थी, आप बिल्कुल मत भूलिए, आप डेफिनेटली केसर लगाइए क्योंकि उससे बहुत अच्छा एक येलो टिंच आ जाता है जिससे ये मोदक दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। आप भी बाप्पा को इस तरीके से मोदक बनाकर भोग लगाइए और डेफिनेटली बाप्पा को ये मोदक पसंद आएंगे। ऐसे ही एक अमेजिंग के रेसिपी के साथ मैं ज़रूर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।